drop it. सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, देखिए दिवाली के गिफ्ट खोल रहे हैं हम लोग, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो ये गिफ्ट आया है बेटे के फ्रेंड के यहाँ से। तो ये देखिएगा आप, इसमें क्या क्या है ये देखते हैं। और यहाँ पर तो देखिए क्या क्या निकलता है इसमें। तो ये देखिए, ये हैं इसमें तीन डिब्बे और ये भी तीन का सेट है। और ये प्लास्टिक के ढक्कन हैं इसके। और जो कटोरे हैं, कटोरे इतने हल्के हैं कि उससे भारी उनका ढक्कन है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि फ्रिज में रख दो इन्हें कुछ चीज़ ढककर, जैसे सब्जी वगैरह बचती है, कुछ भी रखते हैं, तो फिर उनके लिए ढक्कन हमें ढूंढना पड़ता है। फिर कभी छोटा मिलता है, कभी बड़ा मिलता है। तो ये है कि इसमें ठीक है, ये छोटे एसी के साथ के, एसी के साइज़ के ढक्कन वगैरह हैं। तो ये भी अच्छा लगा है, क्योंकि फ्रिज में हम अगर इस तरीके की चीज़ें रखते हैं तो फ्रिज भी थोड़ा सा व्यवस्थित लगता है। और अगर बड़ा खावड़ रख देते हैं, बड़ी छोटी सी कटोरी है उसके ऊपर बड़ी प्लेट रखी है, बड़ी प्लेट, तो सब बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए इसमें निकला है गैस लाइटर और चाकू। तो इसे गुड़िया भी खेल रही है कुछ ना कुछ सामान। तो ये देखिएगा कैसे लगे हैं आपको। तो मुझे तो बहुत पसंद आए। तो ये देखिए चाकू बहुत ही अच्छा है, बहुत तेज़ है। तो बच्चे मजाक भी कर रहे हैं आपस में। और आवाज़ मुझे इसलिए काटनी पड़ती है ना, क्योंकि यहाँ पर टीवी चलता रहता है। और आगे से इसका ध्यान रखूँगी कि टीवी बंद करके, बच्चे बहुत ही मतलब मजाक करते हैं, बात करते हैं, तो इनकी बातें आप समझ सकते हैं बच्चों की बातें कैसी होती हैं। तो ये देखिएगा, तो इसीलिए आवाज़ म्यूट करनी पड़ती है। तो ये देखिए, ये डिब्बे भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसमें हम नमकीन बिस्किट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, और कोई ऐसी चीज़ है जो हमें स्टॉक करके रखनी है फ्रिज में, तो वो भी हम इसमें रख सकते हैं और अच्छे से लगा सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही तो ये देखिएगा। और अभी उठा के सब रख देती हूँ, तो उसके बाद दिवाली के बाद ही इन सबको सेट करूँगी। और ये देखिए सभी सामान रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास है। तो ये कछुआ देखा होगा आपने, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये भी हमें LIC के उसमें से गिफ्ट मिला है। तो ये कछुआ जो है, और ये देखिए बहुत ही सुंदर, इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छे से की हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं इसमें रेट देख रही थी कि क्या है रेट का, कुछ नहीं है पहले डिब्बे का, तो उसी को मैं दिखाना भूल गई थी आपको। और ये देखिए इसमें जो है, इसको खोलने में बड़ी परेशानी आती है, गिफ्ट वगैरह खोलना जो है बड़ा मुश्किल सा पड़ता है। तो ये देखिए, तो ये देखिए इसे खोलती हूँ कि इसमें आप क्या निकलता है। क्योंकि जब कोई चीज़ हम देखते हैं ना, तो
कोई भी गिफ्ट पड़ा हो घर के अंदर तो फिर ये लगता है कि फटाफट से इसे खोला जाए, देखा जाए। तो देखिए इसमें से क्या निकला है, सब बच्चों की चीज़ें निकली हैं खाने की। आजकल बच्चों के खाने की क्या बड़ों के खाने की चीज़ें एक ही हो रही हैं, और मेरे बेटे को तो ये सब चीज़ें ही पसंद हैं, और चीज़ों की अपेक्षा इस तरीके से ही खाने पसंद है। मिठाई विठाई तो आजकल बच्चे खाते नहीं हैं। देखिए ये सोन पापड़ी, सोन पापड़ी का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो रहता है, मजाक उड़ाते हैं सभी के सभी, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर सोन पापड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, काफ़ी दिनों तक टिकी रहती है। और मिठाइयाँ तो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं, इसे हम आराम से भी खा सकते हैं। तो देखिए जी गिफ्ट खुल गया है और सब कुछ, फिर एक बार आपको दिखा रहे हैं लगा कि तो कैसा लगा आपको ये वाला गिफ्ट भी, तो बताइएगा आप लोग ज़रूर। तो ये टोकरी भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और मैंने शायद ये दिखाया था शायद, अब मुझे ध्यान नहीं है। तो ये दिवाली वाले दिन रात को हम लोगों ने पैक खोला था, तो बहुत ही इसमें सभी चीज़ें, टोकरी तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। और ये देखिए इसमें से सामान जो निकल रहा है वाकई में बहुत ही अच्छा है, कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, आप काफ़ी दिनों तक इसको रख सकते हो अगर चलती हैं तो। और सभी तरीके का था, ऐसा नहीं था कि भाई एक ही तरीके की चीज़ है। तो ये आजकल जो इस तरीके से गिफ्ट बन रहे हैं मतलब आ रहे हैं बाज़ार में, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वहाँ हो रहा है मेरा फ़ोन चार्ज, और मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ आज फिर अपने गिफ्ट वगैरह का। और ये देखिए बिस्किट भी है, केक भी है, चॉकलेट भी है, टॉफियाँ भी हैं, तो खुश कर दिया जी मन को। तो आपको ये वाला कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो ये देखिएगा टोकरी भी बहुत ज़बरदस्त है, और मेरा मन इसको हो रहा था कि देखने के लिए कि इसके नीचे है क्या, तो मैंने इसको फिर खोल के देखने की कोशिश की, तो इसमें ये प्लास्टिक की टोकरी ही थी, थोड़ा क्वालिटी थोड़ी सी वैसी है लेकिन टोकरी है। तो मैंने कहा चलो इसको फ़िलहाल ऐसे ही रख देती हूँ, कुछ ना कुछ काम तो आएगी। और इसमें रख देती हूँ मैं ये सारा सामान जो जो मैंने अभी निकाला है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय बाय। ड्रॉप इट।